आइए हम लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर का जो है पीएच निकालते हैं। ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल हमने लिया है, चार सैंपल है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। ये हमारा जो है पोर्टेबल डिजिटल पीएच मीटर है, देख रहे हैं, ये पोर्टेबल है। इसको आप कहीं पे ले जा कर करके आप पीएच जो है नाप सकते हैं। और इसमें जो है एक 9 वोल्ट की डीसी बैटरी लगी होती है पीछे, देख रहे हैं, ये इसमें डीसी बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। और ये देख रहे हैं, ये बैटरी लगी हुई है और ये 9 वोल्ट की बैटरी से चलता है। और ये जो है टेम्परेचर नॉब है, इससे जो है टेम्परेचर जो है हम सेट करते हैं। ये जो है डिस्प्ले है, ठीक है, तो इसी से जो है हम पीएच ज्ञात करते हैं। और एक चीज़ में खासियत ये है कि इसमें जो है हमें कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो फैक्ट्री से ही कैलिब्रेटेड रहता है, तो इसमें जो है कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम जो है इससे पीएच नाप सकते हैं। हाँ, अगर हमारा कंबाइंड इलेक्ट्रोड अगर दूसरा हो जाए तो फिर हमको सेट करना पड़ता है। देखिए, ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ग्लास इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है पोटेशियम क्लोराइड का, देख रहे हैं, इसमें पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें डूबा हुआ होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड को जो कंबाइन कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रोड। और इसी से जो है हम पीएच ज्ञात करते हैं। तो अगर हमारा जो है कंबाइंड इलेक्ट्रोड और ये दोनों जो है फैक्ट्री से ही आया हुआ होता है, तो इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड अगर हम बदल दें तो एक बार हमें जो है कैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार 4 पीएच के बफर सॉल्यूशन से और एक बार 7 या 9 पीएच के बफर सॉल्यूशन से जो है हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए क्या होता है कि इसके पीछे जो है यहाँ पर दो स्क्रू लगे होते हैं, स्लोप स्क्रू और कैलिब्रेट स्क्रू होते हैं, उससे हम एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह जो है अगर हमारा इलेक्ट्रोड बदल जाता है, तो आज आइए हम लोग जो है पीएच ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल्स हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को जो है हम इसमें लगा देते हैं। ये हमने इसको जो है इलेक्ट्रोड सेट कर दिया है। और ये हमारे पास जो है टेम्परेचर नॉब है, इस टेम्परेचर नॉब को हमने 27 पे हमको सेट करना है, और ये हमने 27 पे लगभग सेट कर दिया है। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर सेट हो गया है और ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस कंबाइंड इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर से कंबाइंड इलेक्ट्रोड को अच्छे से साफ करेंगे, देख लेंगे अच्छे से साफ कर लेंगे। ये डबल डिस्टिल वाटर है, साफ करने के बाद इसको एक फिल्टर पेपर से हम ड्राई कर देंगे। ड्राई होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, वाटर सैंपल नंबर 1 में आराम से इसको रख देंगे। और रखने के बाद अब इसको ऑन करेंगे। ये हमारे पास ये बटन है, ये ऑन ऑफ का, ये हमने ऑन कर दिया। और इसका अब हम पीएच बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका देख रहे हैं आप, पीएच जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। और जब फ्लक्चुएशन रुक जाएगा तो हम इसको नोट कर लेंगे। ये धीरे धीरे पीएच बढ़ रहा है, देख लेंगे। जब इसका जो फ्लक्चुएशन जो है धीरे धीरे ऐसा लगे कि रुक गया है, तो हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। लगभग लगभग 8.7172 बढ़ रहा, धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रहा है। लगभग 71 और 72 के आसपास हो गया है, 8.72 समझ लीजिए, 8.72 के आसपास हमने रीडिंग नोट कर ली है। इसकी रीडिंग जो है
0.72 7273 थोड़ा बढ़ रहा है, वही समझिए कि 8.72 और 73 के आसपास जो है इसकी रीडिंग है। तो इस पर हमने जो है इसका जो है पीएच नोट कर लिया है 8. अब हम क्या करेंगे इसको फिर हम साफ कर लेंगे डिस्टिल वाटर से। इसको हमने ऑफ कर दिया है, साफ करने के बाद इसको हम ड्राई कर देंगे एक फिल्टर पेपर से। ड्राई करने के बाद अब दूसरा जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सैंपल है इसमें हम डुबो देंगे और इसको हम फिर जो है ऑन करेंगे। ये बटन दबाए ये ऑन हो गया और उसके बाद इसका हम पीएच पढ़ लेंगे। शुरू में ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट करता है, जब लगे कि हाँ इस फ्लक्चुएशन कम हो गया है लगभग रुक गया है तो हम इसकी रेटिंग नोट कर लेंगे। धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये लगभग 7.17 7.14 लगभग रुक गया है, 7.16 के आसपास आ गया है। तो 7.16 7.15 के लगभग आ रहा है। तो इस तरह हमने इसकी रीडिंग जो है नोट कर लेते हैं 7.16 वाटर कंजम्पशन 7.15 और 7.16 के आसपास आ रहा है। तो इसलिए हमने जो है सेकंड वाटर का जो है ले लिया है पीएच। इसी तरह हम थर्ड वाटर जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर सैंपल इसका भी हम लेंगे। इसको भी हमने एक बार डिस्टिल वाटर से साफ कर लिया है, देखेंगे ये साफ हो गया है और इसको जो है एक फिल्टर पेपर की सहायता से ड्राई कर लेंगे। ये हमने ये ड्राई कर लिया है और इसके बाद वाटर सैंपल नंबर ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर सैंपल नंबर 3 है इसमें हम डुबो देंगे। उसके बाद इसको फिर हम ऑन करेंगे, ये हमने ऑन कर दिया है। और ये इसकी अब हम पीएच नोट करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर सैंपल नंबर 3 है धीरे धीरे बढ़ रहा है। थ्री पॉइंट टू जीरो टू वन थोड़ा सा जो है धीरे धीरे रुक गया है पढ़ना। 3.21 के लगभग आसपास आ गया है, 3.21 ये हमारा जो है धीरे धीरे देखिए 3.1819 के आसपास आ रहा है। ये हमने नोट कर लिया है, इसको नोट कर लेते हैं।
इसको बंद कर दिया, 3.18 और 19 के आसपास आ रहा है। इसी तरह में जो है चौथे ड्रिंकिंग वाटर सैंपल का हम लेंगे, इसको भी पहले हम डबल डिस्टिल वाटर से धो लेंगे अच्छी तरह से। धोने के बाद इसको ड्राई करेंगे, फिल्टर पेपर से हमने ड्राई कर लिया। अब ड्रिंकिंग वाटर सैंपल नंबर 4 पे हम इसको डिबो देंगे, डिबोने के बाद इसको फिर हम ऑन करेंगे। अब इसका हम पीएच पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहा है पीएच इसका। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, सेवन पॉइंट जीरो फोर, जीरो फाइव सिक्स, सेवन हो गया है। इससे धीरे धीरे ये जो है फिल्ट्रेट कर रहा, बढ़ रहा है 7.10, 7.12, देख रहे हैं ये धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है नहीं, 7.15, 7.18 के आसपास आ रहा है, 7.18 और 19 हो गया। सेवन पॉइंट टू ज़ीरो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 21 हो गया, देख रहे हैं ये तो लगभग ये अब रुक गया है। 7.21 मान के हम चलते हैं इसको, 7.20, 7.2021 के आसपास हम इसको मान के चलते हैं, 7.20 या 21 कह सकते हैं इसको। हमने बंद कर दिया है, ये हमारा 7.20, 7.21 के आसपास है। इससे हमने चारों जो है ड्रिंकिंग वाटर सैंपल की हमने पीएच ज्ञात कर लिया है। आइए इसको जो है हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग जो है पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है निकालते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे सैंपल इकट्ठा किए मैंने, उसी का आज हम लोग जो है पीएच निकालेंगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, पोर्टेबल डिजिटल पीएच मीटर चाहिए, एक कंबाइंड इलेक्ट्रोड चाहिए, एक ड्रिंकिंग वाटर सैंपल चाहिए कुछ, और डिस्टिल वाटर चाहिए, और फिल्टर पेपर इत्यादि चाहिए। देखिए हम डिजिटल पीएच मीटर से जो है ये करवाएंगे आज, पोर्टेबल है ये, पोर्टेबल पीएच मीटर है, इसको जो है हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंबाइंड इलेक्ट्रोड है, जिसमें कि हमारा जो है ग्लास इलेक्ट्रोड और रिफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों को कंबाइंड करके बनाया गया है। इसमें एक सोल्यूशन रहता है, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स जो हैं ये हमने कलेक्ट किए हैं, चार सैंपल्स हमारे पास हैं, सैंपल्स नंबर 1, 2, 3, 4 ये भी हमने करके दिखाया आपको। और इसके बाद हमारे पास डिस्टिल वाटर की आवश्यकता होगी और फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले इसकी थ्योरी समझ लें हम, कि पीएच इज पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो होता है इसको कह सकते हैं कि पीएच इज पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल। ये क्या करता है, वाटर में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको जो है मेजर करता है। एंड पीएच डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
देखिए पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी से हम करके कैलकुलेट करके हम पीएच निकाल सकते हैं, और पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ओएच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10^-14। क्योंकि देखा जाएगा पीएच स्केल पर तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स HCl, HCl जो है उसका पीएच क्या होता है 0, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका पीएच क्या है 14, वो NaOH है। अब अगर इन तीनों दोनों को जो है एसिड और बेस को कंसंट्रेटेड है, इसको हम धीरे 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 डाइल्यूट करते जाएं, तो इसका पीएच 14 से क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा 7 के पास आकर के, और इसका जो है एसिड का जो स्ट्रॉन्ग एसिड इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसका पीएच क्या है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और 7 के पास आने के बाद पीएच स्केल पर ये क्या होता है दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मतलब कि 7 पीएच पर क्या होता है ये न्यूट्रल हो जाता है। उसी न्यूट्रल पे जो है वहाँ पर उसको बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पर पीएच क्या होता है 7 या 7 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि 7 मतलब 7 से 7.5 भी हो सकता है और 6.5 भी हो सकता है, इसके आसपास जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी को जो है ड्रिंकिंग वाटर पे पीएच हम निकालते हैं। इसी तरह देखिए हमने जो है 4 सैंपल्स लिए हैं ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर 4 सैंपल्स हमारे पास 1, 2, 3, 4 ही 4 सैंपल्स हैं। इन चारों सैंपल्स के अभी हमने आपको निकाल के दिखाया है, इसका जो है सैंपल नंबर 1 का आया था 8.71 to 8.73 के आसपास आया था, तो देख रहे हैं इसका पीएच क्या है 7 से अबव है, जिसके मतलब कि ये वाटर क्या हो सकता है बेसिक वाटर होगा, इसका नेचर जो होगा। इसी तरह इस वाटर सैंपल नंबर 2 का जब हमने निकाला इसका आया था 7.15 to 7.16 आया था, जिसके मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर है क्योंकि ये क्या है न्यूट्रलाइज हो गया है, 7.15 से 7.16 के आसपास आ गया है ड्रिंकिंग वाटर है। इसी तरह वाटर सैंपल नंबर 3 दिया था उसका आया था 3.18 to 3.19, इसके मतलब कि ये पीएच इसका क्या 7 से बहुत कम है, ये वाटर क्या हो सकता है एसिडिक वाटर है, ये बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और वाटर सैंपल नंबर 4 है इसका आया था पीएच 7.20 to 7.21, ये भी ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर ये भी ठीक है। तो हमने देखा कि इस वाटर सैंपल नंबर 2 और वाटर सैंपल नंबर 4 ये हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही बढ़िया वाटर है, और सबसे खतरनाक वाटर जो है सबसे जो हार्मफुल वाटर है हमारे स्वास्थ्य के लिए है ये एसिडिक वाटर है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास जो है वाटर सैंपल नंबर 2 और वाटर सैंपल नंबर 4 जो है वो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस इसका यूज जो है पीएच का, तो पीएच का जो है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच का जो है ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथिल अल्कोहल और लेदर इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो है ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स है वहाँ पर भी इसका जो है इसका अच्छा खासा यूज़ होता है। तो इस तरह हमने देखा कि ड्रिंकिंग वाटर का जो है हम लोगों ने पीएच आज ज्ञात किया है। थैंक यू सो मच।